हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल भी जुड़ गए। उनसे बात करेंगे संसद सत्र के दौरान। अगर जगदम्बिका जी आप हमें सुन पा रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। सुबह सुबह नमस्ते भारत में आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखते हैं। जगदम्बिका जी, ये किसानों को लेकर 3 अध्यादेश जो है वो बिल में कन्वर्ट हुए, लेकिन सरकार ये समझाने में नाकाम रही अपने सहयोगी दलों को भी कि ये जो अध्यादेश हैं जो बिल में कन्वर्ट हुए हैं ये किसानों के हित में है। किसानों को इससे ज्यादा लाभ होगा बजाय इसके कि वो अपनी जो अपनी फसल है वो फिक्स जगह बेचे, वो दूसरे राज्य में भी जाके बेच पाएंगे। नहीं देखिए, सरकार तो बिल्कुल समझाने में कामयाब है और आज सदन में उन विधेयकों पर चर्चा होगी विस्तार से, और देश के किसानों को यह समझ में आ जाएगा कि जब स्मॉल होल्डिंग्स होती जा रही छोटी, जो घरों में बंटवारा होता जा रहा, तो खेती मतलब एक तरह से अलाभप्रद होती जा रही। तो इस खेती को बचाने के लिए दो विधेयक है। एक तो ये कि अभी तक किसान आश्रित था कि अपनी जहां पास की मंडी है या बिचौलियों को बेचने के लिए, आज इस विधेयक के बन जाने से उसे पूरी देश एक मार्केट के रूप में मिल जाएगा। वो ई नैम मार्केटिंग से वो पूरे देश में अपने उत्पाद को जहां सबसे ज्यादा उसको कीमत मिलेगी वो बेच सकता है। तो पूरा एक देश किसान के लिए मार्केट हो गया। जो पहले एमएसपी भी नहीं खरीदी जाती थी, धान के गेहूं के क्रय केंद्रों पर जाता था किसान और लौट आता था, फिर बिचौलियों को बेचता था। तो इससे किसानों की जो एक तरह से स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी कि उनकी जो लागत मूल्य है उससे कम से कम 1.5 गुना मिले, जिस पे मोदी जी ने प्रयास किया शायद पहली बार। और दूसरा जो ये है कि फार्मिंग एग्रीमेंट की बात है कि जो छोटी छोटी जोत के लोग हैं उनको किसी से एग्रीमेंट करें। इसमें साफ है कि जो कॉन्क्रीट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, उसके शेड्यूल 3 में या 3 में उसमें साफ दिया हुआ है कि एग्रीमेंट हो सकता लैंड का नहीं, उसके ईल्ड का, और ईल्ड का पहले से ही तय कर लेंगे कि हम क्या भाव देंगे। तो उससे किसान को एक चॉइस हो जाएगा कि उसका उत्पाद की कीमत अच्छी मिलेगी, बाहर एक्सपोर्ट हो सकता है, तो किसी से कॉन्ट्रैक्ट और फार्मिंग इस तरीके से कर सकता है। तो ये देश के किसानों के हित में पहली बार है। नहीं तो किसान कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, आगे भी बात होगी आपसे और हल्की फुल्की बात होगी। जानना समझना चाहेंगे कि कोरोना काल में संसद कितना बदल गया।